यूपी के मथुरा में एक मकान में धमाके से हड़कंप मच गया। इस मकान में पटाखे रखे हुए थे। धमाका इतना भयंकर था कि मकान के मलबे 200 मीटर दूर तक फैल गए। सुरीर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर धमाके से पुलिस भी सवालों के घेरे में है। वहीं धमाके के बाद अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। सुरीर थाना क्षेत्र के एक मकान में अवैध बारूद रखा गया था, इसमें अचानक विस्फोट हो गया। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में 2 मंजिला मकान जमीन दोज हो गया। मकान में रहने वाले शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। इस हादसे में मकान स्वामी जोगेंद्र सिंह की अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल हादसे के बाद पुलिस और फायर कर्मी जांच में जुटे हैं। आतिशबाजी के लिए बारूद के अवैध भंडारण से हुए इस हादसे में आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि घनी आबादी के बीच बारूद का भंडारण किया जा रहा था। देर रात बारूद में आग लग गई। बताया जा रहा है कि जोगेंद्र सिंह बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का काम करते थे। घनी आबादी में अपने घर पर जोगेंद्र ने आतिशबाजी का अवैध भंडारण कर रखा था। विस्फोट की चपेट में कई पशु भी आ गए। देर रात हुए बारूद के धमाके ने पुलिस और अफसरों की नींद उड़ा दी है। आनंद फानंद में इलाका और नौ झील पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज रात्रि लगभग 1 बजे थाना कस्बा सुरीर में एक घर में संदिग्ध स्थितियों में विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप हॉस्पिटल ले जाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं 6 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इनमें से 3 व्यक्तियों को उपचार के पश्चात डिस्चार्ज कर दिया गया है एवं 3 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। रात भर चले सर्च ऑपरेशन में SDM एवं CO द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया गया है। इस प्रकरण में गहराई से जांच हेतु SSP महोदय द्वारा CFO को नामित किया गया है। CFO घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। शीघ्र ही प्रकरण की जांच करते हुए प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। मेरे तीन टूटे क्या हुआ था, धमाका सही हुआ सर, मेरे 3 टूटे, सब बच्चे दब गए मेरे। तो ये धमाका कहाँ हुआ है? सामने हुआ था। तो ये 2 मंजिल मकान था क्या? हाँ, 2 मंजिल था। किसका मकान था ये? ये बाबूलाल का था। अच्छा, धमाका किससे हुआ है इसमें? इसको मुझको तो मालूम नहीं क्या किससे हुआ किससे नहीं हुआ, पर लेकिन सुनते हैं आशाबाजी होती है इसमें। अच्छा, तो ये कितना तेज धमाका था? बहुत तेज था, पता नहीं। हम तो इसमें पड़ोस के कितने मकान इसमें चपेट में आए हैं? करीब 8-10 मकान। 8-10 आए हैं। तो इसमें आपके किन लोगों की चोट आई है? मेरे 3 बच्चे हैं और एक मेरा पति था, एक मेरे देव जिसका वो है मेरी नंद, एक मैं हूँ और जेठ है मेरे। सबकी चोट आई है? सबकी चोट आई है, हल्की हल्की। मेरे बच्चे ज्यादा आ गए, मेरे आदमी की लग गई ज्यादा। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।